महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का आईपीएल सीजन 12 में फिटनेस टेस्ट नहीं होगा। इस सीजन से ही टीम के साथ बतौर ट्रेनर जुड़े रामजी श्रीनिवासन ने खिलाड़ियों की फिटनेस को मापने के लिए 2 से 2.4 किलोमीटर दौड़ और स्प्रिंट टेस्ट को खिलाड़ियों की फिटनेस मापने के पैमाने के रूप में चुना है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग का मानना है कि विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत आगामी विश्व कप में महेंद्र सिंह धोनी के सबसे अच्छे विकल्प हैं। इंग्लैंड में 30 मई से शुरू होने वाले वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यों की टीम चुनी जानी है। उन्होंने कहा कि अगर आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के लिए पंत अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो वह भारतीय टीम में स्थान के मजबूत दावेदार होंगे। स्टेट डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने आईपीएल मैचों में टिकटों पर 11.62 करोड़ रुपयों की जीएसटी चोरी पकड़ी है। सवाई मानसिंह स्टेडियम में मैसर्स रॉयल मल्टी स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की फ्रेंचाइजी कंपनी राजस्थान रॉयल की ओर से 11 अप्रैल से 19 मई 2018 के दौरान कुल 7 मैचों का आयोजन किया गया था। जाँच में सामने आया है कि टिकटों का वितरण मुख्य रूप से ऑनलाइन पोर्टल बुक माई शो से किया गया था। मुंबई क्रिकेट संघ के चेयरमैन अजीत अगरकर की अगुवाई में पूरी चयन समिति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। घरेलू सीजन 2018-19 के समाप्त होने के एक दिन बाद ही नीलेश कुलकर्णी, सुनील मोरे और रवि ठक्कर सहित पूरी चयन समिति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। चयनकर्ताओं ने अपने इस्तीफे एडहॉक कमेटी और एमसीए के सीईओ सीएस नायक को भेज दिए हैं। स्पेनिश दिग्गज रियल मैड्रिड के डिफेंडर मार्सेलो वियेरा ने क्लब में एक कप्तान के महत्व पर जोर दिया। मार्सेलो स्टार डिफेंडर सार्जो रोमोस के बाद रियाल के दूसरे कप्तान हैं। मार्सेलो ने कहा कि कप्तान होना गर्व और जिम्मेदारी का काम है। हमें क्लब का नाम जितना हो सके उतना ऊंचा उठाना है। यह एक अच्छी चीज है और ऐसा करते हुए सफलता हासिल करना हमारा सौभाग्य है। स्पेन के फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड ने ब्राजील के डिफेंडर एडर मिलिटाओ को अपनी टीम में शामिल कर लिया है। पुर्तगाली क्लब एफसी पोर्ट्रे के लिए खेलने वाले मिलिटाओ अगले 6 सीजन रियल मैड्रिड की तरफ से खेलेंगे। 21 साल के मिलिटाओ ने पिछले वर्ष 11 सितंबर को एल सलवाडोर के खिलाफ ब्राजील की राष्ट्रीय टीम में अपना पहला मैच खेला था। इंग्लिश क्लब आर्सेनल ने यूरोपा लीग राउंड 16 के दूसरे लेग मैच में रेनेस को 3-0 से हराकर टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। पहले लेग के मुकाबले में फ्रेंच क्लब ने 3-1 से जीत दर्ज की थी, लेकिन दूसरे लेग में अपने घरेलू मैदान पर एक तरफा जीत दर्ज करते हुए आर्सेनल ने 4-3 के अंकों के साथ टूर्नामेंट के अगले दौर में अपना स्थान पक्का किया। एशियाई खेलों और कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने वाली महिला पहलवान दिव्या काकरान अब उत्तर रेलवे के साथ जुड़ गई हैं। वे इस विभाग में वरिष्ठ टिकट निरीक्षक के पद में काम करेंगी। दिव्या ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी पदक जीते हैं और अब रेलवे की टीम पहले से और ज्यादा मजबूत होगी। दिव्या का कहना है कि वे अब रेलवे के साथ जुड़कर पहले से बेहतर तरीके से अपनी तैयारियों को अंजाम दे सकेंगी। भारतीय शटलर लक्ष्य सेन ने चाइना मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली। लक्ष्य सेन ने मैन सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में चौथी सीट के जाऊ जेकी को 16-21, 21-15, 21-19 से हराया। सेमीफाइनल में लक्ष्य के सामने चीन के वैंग होंगयांग की चुनौती होगी। भारतीय पुरुष टीम के लिए विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप का फाइनल और अंतिम दौर निराशाजनक साबित हुआ, जिसमें उन्हें रूस से 1.5-2.5 के स्कोर से हारकर चौथे स्थान से संतोष करना पड़ा। भारतीय टीम ने 8वें दौर में कड़ी मेहनत के बाद संयुक्त दूसरा स्थान हासिल किया था और 2-2 का नतीजा उन्हें कांस्य पदक और जीत रजत पदक दिला सकती थी।